नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में मल्चिंग पेपर से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, ताकि अगर आप कभी भविष्य में मल्चिंग पेपर का उपयोग करें या फिर अभी आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर वन, मल्चिंग पेपर क्या है। नंबर टू, मल्चिंग पेपर के उपयोग के क्या क्या फायदे हैं। नंबर थ्री, मल्चिंग पेपर कितने तरह के होते हैं। नंबर फोर, मल्चिंग पेपर लगाने की उचित विधि क्या है। नंबर फाइव, कौन सी फसल के लिए कितने माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग करें व एक मल्चिंग पेपर को कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पर वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि एक एकड़ खेत में मल्चिंग पेपर लगाने में कितना खर्च आता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना अधिक समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मल्चिंग पेपर क्या है। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं और इस प्लास्टिक फिल्म को मल्चिंग पेपर कहते हैं। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, मल्चिंग पेपर के क्या क्या फायदे। नंबर वन, कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि मल्चिंग पेपर के उपयोग से 65% तक पानी की बचत होती है, क्योंकि मल्चिंग पेपर पानी का वाष्पीकरण नहीं होने देता जिससे नमी बनी रहती है, और पानी का महत्व एक किसान भाई से ज्यादा कौन समझ सकता है। नंबर टू, 100% तक खरपतवार नियंत्रण रहता है। इसका साइंटिफिक रीजन यह है कि मल्चिंग पेपर बिछाए जाने पर सूर्य का प्रकाश सीधा मिट्टी पे नहीं पहुंचता, साथ ही हवा भी नहीं पहुंचती, जिसके कारण अनचाहे घास फूस और खरपतवार नहीं उगते। खेत में ज्यादा खरपतवार होने से हमारा उत्पादन 50-75% तक कम हो सकता है, यानी मल्चिंग पेपर इनडायरेक्टली हमारे उत्पादन को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ मल्चिंग पेपर से हमारा निंदाई गुड़ाई का खर्च भी बचता है और खरपतवार नाशक का। नंबर थ्री, मल्चिंग पेपर के उपयोग से पौधों को एक जैसा टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है वह हमारा उत्पादन भी इंक्रीज होता है। नंबर फोर, मल्चिंग पेपर मिट्टी को बहने से रोकता है। मल्चिंग पेपर मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जो हमारी फसल को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें सूर्य के प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये सारे फायदे हमें मल्चिंग पेपर के उपयोग से मिलते हैं। अब बात करते हैं कि मल्चिंग पेपर कितने तरह के होते हैं। मल्चिंग पेपर 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के आते हैं। वह इनकी चौड़ाई 2 फीट से 4 फीट और इससे भी कई ज्यादा होती है। वह रंग काला, सिल्वर, पीला और भी कई रंगों में मल्चिंग पेपर आते हैं, पर किसान भाइयों के लिए ब्लैक और सिल्वर रंग के मल्चिंग पेपर सबसे सही है। इसी के साथ 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर का उपयोग अधिकतर किसान भाई करते हैं। मल्चिंग पेपर की चौड़ाई हमारे बेड की साइज पर निर्भर करती है कि हम कितने साइज का बेड बना रहे हैं। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, मल्चिंग पेपर लगाने की विधि क्या है। हमने मल्चिंग पेपर लगाने के पहले खेत की तैयारी कुछ इस तरह से की थी कि जिन बेड पर मल्चिंग पेपर बिछाना है उनकी दूरी 4 फीट ली है व जमीन से ऊंचाई 1 फीट ली है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन बेड के पास में हमने एक और बेड बनाया है जिसकी दूरी हमारे मुख्य बेड से 1-1 फीट है। जब हम हमारे बेड पर मल्चिंग लगाएंगे तब इन बेड से मिट्टी लेकर मल्चिंग पर चढ़ा देंगे दोनों सिर पर। हमने ब्लैक और सिल्वर कलर के मल्चिंग पेपर का उपयोग किया। इसमें सिल्वर कलर को हमने ऊपर रखा है और ब्लैक को नीचे। इसका कारण यह है कि हमारे एरिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण सिल्वर कलर हमारी मिट्टी को ठंडा रखेगा। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर कम है तो आप ब्लैक रंग को ऊपर रखें, क्योंकि ब्लैक कलर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इस कारण पौधों को पर्याप्त टेम्परेचर मिलेगा। यही रीजन है कि सोलर पैनल की पट्टियां काले रंग की बनाई जाती है। अब आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, कौन सी फसल के लिए कितने माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग करें व एक मल्चिंग पेपर का उपयोग हम कितनी बार कर सकते। हम सब्जियों की फसल जैसे टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, करेला, इनके लिए 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही तरबूज व खरबूज के लिए भी हम 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि
एक मल्चिंग पेपर का उपयोग हम कितनी बार कर सकते हैं। 15-20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का हम एक फसल ले सकते हैं, इसकी अवधि 4 महीने की। 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर से हम 2 फसल ले सकते हैं, इसकी अवधि 8 महीने की। 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर से हम 3 फसलें ले सकते हैं, इसकी अवधि 12 से 14 महीने की है। यहाँ पर आप 2 मल्चिंग पेपर देख रहे हैं, ये 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है और ये 35 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है। अगर आप भी मल्चिंग पेपर का उपयोग करना चाहते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अमेजन से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमें 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर का उपयोग करना है तो उसका कितना खर्चा है। हमने 1.25 एकड़ के खेत में मल्चिंग का उपयोग किया है व हमारी बेड से बेड की दूरी 4 फीट है और हमने 25 माइक्रोन के मल्चिंग का उपयोग किया था, जिसमें हमें 8 बंडल लगे और 1 बंडल के मल्चिंग का प्राइस 1200 रुपये, तो हमारा कुल खर्च आया था 10,000 रुपये। यानी अगर आप 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर का उपयोग करेंगे तो आपका खर्च 8,000 से 9,000 के बीच में रहेगा। हमने इस वीडियो में मल्चिंग पेपर से जुड़ी सारी जानकारी आप लोगों को दी। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने इस खेत में मल्चिंग का पूरा सेटअप किया है, 1.25 एकड़ का यह हमारा खेत है। किसान भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम कौन सी फसल बोने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप हमें कमेंट अवश्य करके बताएं। अगर आपके मल्चिंग पेपर से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।